हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं हॉकिंस के न्यू लॉन्च के बारे में, जिसमें स्मॉलेस्ट साइज कह सकते हैं सबसे छोटे साइज का कुकर हॉकिंस ने ब्लैक कलर हार्ड एनोडाइज में लॉन्च कर दिया है, जो कि इंडक्शन बॉटम भी है। तो आज हम पूरी तरीके से डिटेल डिस्कस करेंगे हॉकिंस के कॉन्ट्यूरा ब्लैक XT मॉडल के बारे में। XT का मतलब होता है एक्स्ट्रा थिक बेस, जिसके बारे में अभी हम कंप्लीट अनबॉक्सिंग के बाद आपको पूरी तरीके से डिटेल बताएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं छोटे बच्चे की दलिया के लिए एक स्मॉल साइज का इंडक्शन बॉटम कुकर, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इजी मेंटेनेंस है और उसी के साथ साथ इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। ये इंडक्शन कंपैटिबल भी है, हॉट प्लेट कंपैटिबल भी है और बहुत आसानी से ये क्लीन भी हो जाता है। ज्यादातर लोग ब्लैक कलर का ये कुकर सिर्फ इसीलिए लेते हैं क्योंकि इसकी हैंडलिंग काफी ज्यादा आसान होती है। उसी के साथ साथ ये अभी तक 1.5 लीटर में नॉन इंडक्शन में आता था, बट अब रिसेंट में ये इंडक्शन बॉटम भी आने लगा है। तो आज इस कुकर को हम अनबॉक्स करेंगे और इसमें क्या खासियत है और ऐसी क्या चीजें हैं जो बाकी कुकर्स में ऑफर नहीं होती हैं और सिर्फ हॉकिंस के कुकर में होती है, चलिए उसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो जल्दी से पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और अगर ये आपको पसंद आता है तो इसी वीडियो के नीचे इसका बाय लिंक दिया है, जहां से ऑल इंडिया के लिए आप इसको परचेज कर सकते हैं। बॉक्स पैकेजिंग की बात की जाए तो हमेशा ध्यान दीजिएगा हॉकिंस का, जब भी आप बॉक्स ओपन करते हैं वहां पे आपको देखिए यहाँ पे सीटी विसिल जो होती है वो यहाँ पे गत्ते में लगी हुई होती है। उसी के साथ साथ जो जो चीजें हॉकिंस देता है, काफी लोगों को डाउट रहता है कि हॉकिंस के अंदर कुछ लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सेफ्टी वॉल मिलता है, एक्स्ट्रा रबड़ मिलती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चीजें बॉक्स के अंदर होंगी वो आपको अलग अलग करके मेंशन करके हॉकिंस आसानी से देगा, जिससे आपके साथ कभी भी चीटिंग ना हो। उसी के साथ साथ कुछ ऐसी बॉक्स पैकेजिंग है जैसे हमेशा हर कुकर की होती है, जैसे कि मैंने बताया कि गत्ते में आपको सीटी लगी हुई मिलती है, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लगी हुई है। इसको निकालना ना भूलिएगा जब भी आप इसको अनबॉक्स करते हैं। तो पहले जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग के बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट वही ट्रेडिशनल बुकलेट मिल जाती है, इसको जरा हम साइड में रख देते हैं और उसी के साथ साथ आपको हम दिखाएंगे इसकी स्मॉलेस्ट साइज की लिड। यहाँ पे इसकी सीटी दी है जो कि स्मॉल साइज की जो विसिल आती है वो इसमें लगती है। उसी के साथ साथ चलिए इसको पहले अभी ओपन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हॉकिंग से इसमें मार्किंग कौन कौन सी दी हुई है। तो यहाँ पे हॉकिंग से इसमें ISI की मार्किंग, यहाँ पे देखिए ISI की मार्किंग दी हुई है, जिसकी वजह से ये 100% सेफ कुकर है। यहाँ पे थोड़ा सा प्ले होता है, ये कोई भी खराबी नहीं है। हॉकिंग्स और प्रेस्टीज के हर कुकर में इस टाइप से प्ले मिलेगा। इसके ये क्यों होता है इसकी डिटेल मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, बट आज इस वीडियो में फोकस करेंगे सिर्फ इसके क्वालिटी पे और साथ ही साथ इस कुकर के बारे में। तो यहाँ पे ये कंप्लीट स्टेनलेस स्टील का होता है, सेफ्टी वॉल एल्युमिनियम का होता है और साथ ही साथ ये हार्ड एनोडाइज होता है। तो चलिए इसको अभी हम साइड में रख देते हैं और अब निकालते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, वो है इसका स्मॉलेस्ट साइज का छोटा सा कुकर। तो चलिए निकाल देते हैं और यहाँ पे ये देखिए इसके यहाँ पे हॉकिंग्स का ऑथराइज्ड फीस सर्विस सेंटर्स की पूरी बुकलेट दी हुई है, जो कि ऑल इंडिया कहाँ कहाँ इसके कुकर्स का ऑथराइज्ड और जेन्युइन पार्ट्स मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुकर को कंप्लीट तरीके से आपको दिखा देते हैं। अगर कुकर के साइज की बात करते हैं तो इतना छोटा सा कुकर है जिसको कम्प्लीटली आप आसानी से देख सकते हैं। एक बार इसका 360 डिग्री व्यू भी ले लीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए इसका 360 डिग्री व्यू है, यहाँ पे रिविट्स जो है काफ़ी अच्छी तरीके से इंटैक्ट तरीके से लगे हुए हैं। उसी के साथ साथ देखिए दो तीन बातें का मैं ध्यान आपको दिखा दूँ। पहले अगर आप हार्ड एनोडाइज कुकर लेते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे इतने मोटे मोटे रिविट्स देखने को मिलते हैं, बट यहीं पे अगर आप स्टेनलेस स्टील का कुकर लेते हैं, वो अभी आगे चल के मैं किसी में कंपैरिजन दिखा दूँगा, उसमें आपको रिविट्स देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे हॉकिंग्स का XT लिखा हुआ है, नीचे की तरफ से काफी अच्छी तरीके से इंडक्शन बॉटम दे देते हैं, साथ ही साथ ISI मार्किंग भी दे देते हैं। यहाँ पे हॉकिंग्स का आपके कुकर का यहाँ पे यूनिक नंबर लिखा रहता है, जिसकी वजह से गारंटी वारंटी या जितनी भी कोई कंप्लेंट्स है वो ट्रेस हो जाती है। उसी के साथ साथ ये स्मॉलेस्ट साइज का कुकर है जिसमें दो लोगों की दाल बन सकती है, एक आदमी का चावल बन सकता है और साथ ही साथ आप इसमें छोटे बच्चे की दलिया बना सकते हैं। कुछ कॉशन्स इसमें लेने वाले होते हैं मैं आपको बता दूं और कुछ मिथ ऐसे हैं इस कुकर को लेके जो कि यहां आज इस वीडियो में मैं डिस्कस कर लेता हूं। काफी लोग इसको नॉन स्टिक कुकर कहते हैं, हालांकि ये नॉन स्टिक मटेरियल नहीं होता है। कोई भी कुकर एज सच अच्छे ब्रांड के नॉन स्टिक नहीं आते हैं। यहां पे आपको कुकर मिलता है हार्ड एनोडाइज। हार्ड एनोडाइज ऐसा मटेरियल होता है जिसमें एल्यूमिनियम को काफी हैवी टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से वो एनोडाइज हो जाता है, जो कि ये
सरफेस आपको जब तक ये खराब ना हो सरफेस तब तक ये हेल्दी रहता है। उसी के साथ साथ इसमें खाना जलता नहीं है, इसमें खाना जमता नहीं है और इजीली क्लीन कर सकते हैं। इसको क्लीन करने का सबसे इंपॉर्टेंट है इसको मेटल के स्क्रबर से घिसिएगा नहीं, जिसकी वजह से ये कंप्लीटली सेफ रहेगा। यहां पे प्लास्टिक के बेसिक स्क्रबर से स्क्रब करिए, आपका कुकर बिल्कुल साफ हो जाएगा और आप सालों इसको इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। हैंडल वही सिमिलर हॉकिंस का मिलता है, वही सिमिलर हैंडल है जिसमें हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। बाय चांस बैकलाइट टूट जाए तो सालों साल ये जो मेटल पोर्शन अंदर दिया है ये खराब नहीं होता है, साथ ही साथ ये भी अब इंटैक्ट आता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप लेना चाह रहे थे एक छोटा सा कुकर तो ये आपके लिए काफी अच्छा और सेफ ऑप्शन है। एक चीज मैंने आपको बताई थी शुरू शुरू में ही, एक्स्ट्रा थिक वर्क ऑन गैस एंड इंडक्शन। एक्स्ट्रा थिक का क्या मतलब है? जनरली जितने भी ब्रांड्स आते हैं वो हार्ड एनोडाइज को कंप्लीटली सिंगल तरीके से ही मोल्ड करते हैं, एक ही थिकनेस में मोल्ड होता है इसके जितने भी कॉम्पिटेटिव ब्रांड्स हैं। बट यहां पे हॉकिंस क्या करता है, इंडक्शन कंपैटिबल बनाने के लिए नीचे का बेस काफी एक्स्ट्रा थिक कर देता है, जिसकी वजह से कभी भी बेस फूलता नहीं है, बल्ज नहीं होता है, प्लेट जो नीचे की लगी रहती है वो निकलती नहीं। काफी कम मेरे हिसाब से, मैंने तो अपनी नजर में कभी भी ऐसा केस नहीं देखा है जिसमें ये प्लेटिंग निकल जाए। हालांकि काफी केसेस मैंने प्रेस्टीज कंपनी के देख रखे थे पहले, बट अब उन्होंने भी काफी इंप्रूवमेंट करी है, बट हॉकिंस मैंने मेरे हिसाब से अपने उसमें तो मैंने नहीं देखा है, जिसकी वजह से मुझे पता है कि काफी ज्यादा टेस्ट करके ही ये कुछ भी लॉन्च करते हैं। तो यहां पे अगर आपको बिल्कुल सेफ और अच्छा कुकर लेना है तो इस वीडियो के नीचे इसका बाय लिंक दिया है, छोटा सा कुकर न्यू लॉन्च है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और यहां पे मैंने बंद करके भी दिखा दिया तो कंप्लीट कुछ इस तरीके से आपको ये कंप्लीट कुकर देखने को मिलेगा। अगर इसकी गारंटी की बात करते हैं तो कंपनी इसकी 5 साल की देती है, जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं वो कंपनी आपको लिख के देती है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्राइसिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे इसकी जो अभी की प्राइसिंग है वो 1875 है, बट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अगर आप परचेज करते हैं तो पहली चीज तो ओरिजिनल कुकर मिलेगा, साथ ही साथ इसमें बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो इसके और अपडेटेड प्राइस जानने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके आप इसको देख सकते हैं। और इसके कंपैरिजन में मैं अभी भी बता दूं, दो कुकर्स काफी अच्छे हैं, एक हॉकिंग्स का XT और इसी के कंपैरिजन में अगर इसका स्टेनलेस स्टील कुकर भी आप लेना चाहें तो उसका भी बाय लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जो थोड़ा सा प्राइसिंग ऊपर होगा बट एक बेहतर चॉइस वो भी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा और किचन की हर तरीके की अपडेट के लिए लखनऊ लोकल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन हम रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं। चाहे हॉकिंग्स हो, चाहे प्रेस्टीज हो, चाहे विनोद हो, चाहे मैक्सिमा हो, चाहे कोई भी XYZ ब्रांड हो, मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी न्यू लॉन्चेस और अच्छे कुकवेयर्स हैं वो मेरे व्यूअर्स को सबसे पहले ऑल इंडिया इसको कंप्लीटली देख लें, जिससे जो भी अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने घर के लिए वो तुरंत लेके और अपने किचन को हेल्दी बना लें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।